शबनम पांडे जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। रामनवमी का पर्व देखिए हर्षोल्लास के साथ है ना पर्व बीत गया। नमाज बहुत बेहतरीन तरीके से है ना बीत रहा है, और आने वाले समय में देखिए अक्षय तृतीया का पर्व है, फिर ईद का पर्व है, पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं। इसी बीच ये भी आदेश दे दिया गया, चाहे आरती हो या अजान, आवाज़ को कम करना होगा, और योगी मॉडल से एक बड़ा समाधान देने की कोशिश हुई है। थोड़ा सा माहौल बताइए इस आदेश का। जब आदेश को जब जारी किया जा रहा, तो उम्मीद थी कि यूपी की जनता एक बेहतरीन तरीके से भाईचारे का मिसाल पेश करेगी। चुटियों की आवाज आ रही उधर से, बताइए शबनम जी। गौरी शंकर जी, निश्चित तौर पे जब हमारी सरकार भाजपा की बनी थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश था, दंगा और भ्रष्टाचार व्याप्त था। जिस तरीके से माननीय योगी जी ने दंगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया और एक सौहार्द का माहौल इस लाउडस्पीकर के मुद्दे पे बनाया, ये निश्चित तौर पे पूरे भारत में इसका उदाहरण दिया जा रहा है। जहाँ की अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो सरकार बनाई गई है, वहां पे इस मुद्दे को लेकर तमाम दंगे फसाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पर यहाँ पर एक काबिले तारीफ है, चाहे मुस्लिम समुदाय के मौलाना हो, धर्मगुरु हो, या हिंदू समुदाय के, स्वतः लोग अपने अपने परिसर से लाउडस्पीकर हटा रहे हैं या लाउडस्पीकर की वॉल्यूम कम कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी आपके साथ डिबेट में बैठी हूँ, मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ 3 मस्जिद से अजान की आवाज एक दिन में 15 बार, 5 बार हर जगह से, तो थोड़े थोड़े डिफरेंस तो होता है, 15 बार। और एक मंदिर है मेरे घर के पास में जहाँ सुबह शाम कीर्तन की आवाज होती है। आप समझ सकते हैं कि हम बगैर ध्वनि प्रदर्शन के एक दिन भी नहीं बिता सकते। 365 दिन हम इस तरीके से बिताते थे, पर अब तक कोई भी सरकार, 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था इसे हटाने का और इसके वॉल्यूम कम करने की बात भी कही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, पर कोई सरकार ऐसी नहीं आई थी जिसमें। नहीं, ठीक है, वो बात तो पता है मुझे। मुझे बताइए, एक मुझे लग रहा है कि इससे पहले भी इसी तरह का कोई हम लोग का डिबेट था जिसमें आप आई थी शबनम, और आपने कहा था कि मैं एक ऐसे इलाके में, लखनऊ के ऐसे इलाके में रहती हूँ जो बहुत ही पॉश इलाका है और काफ़ी बेहतरीन और संभ्रांत लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मस्जिद है, उसकी आवाज़ से हम लोग परेशान होते हैं। मंदिर में भी आरती कीर्तन की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। उस वक्त भी आप कह रही थी कि देखिए आदेश तो पारित हो गया लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। अब क्या स्थिति है वहाँ पर? इसी बात को बताना चाह रही हूँ। जिस दिन आपसे बात हुई थी उस दिन 3 में से 2 मस्जिद से आवाजें नहीं आ रही थी, पर 1 में आ रही थी। और वो आपसे डिबेट करते वक्त ही वो अजान का वक्त होता था और आता था, पर अब तक अभी तक मुझे कोई आवाज नहीं आई है, ना मंदिर से ना मस्जिद से। तो मुझे लगता है जिस सौहार्द का परिचय धर्म गुरुओं ने, जिस बुद्धिमत्ता का परिचय धर्म गुरुओं ने दिया है, निश्चित तौर पे ये एक प्रगतिशील समाज का उदाहरण पेश। चलिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है शबनम पांडे। कितना भी बड़ा डिबेट कर लो, तर्क वितर्क कर लो, लेकिन साक्षात अनुभव यदि हो रहा है इसका, जैसा कि ये तो है ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं कि पिछली दफा जब आप बात कर रही थी उस वक्त हम लोगों तक वो अजान की आवाज आ रही थी जो आप कह रही थी। इस बार मैं भी नहीं सुन पा रहा हूँ, आप भी कह रही हैं कि बहुत राहत है, ना मंदिर से भजन कीर्तन की आवाज़ आती है, ना मस्जिद से अजान की आवाज़ आती। होती तो दोनों चीज़ें हैं, प्रतिदिन हो रही हैं, रोजाना लोग कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन आवाज़ को परिसर तक सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब है आदेश का पालन हो रहा है।